प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। देखिए बॉडी साया भी नहीं देता है, बेटी से बात कर रहा है, पूरा व्लॉग देख रही है। क्या था रखा हुआ? पूरा व्लॉग देख रही है ये। तुम खाली खाना देखती थी? अभी हम जाने वाले हैं कालका से, शिमला से कुछ बोले थे ना यूट्यूब पे। शर्मा शर्मा गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपके चैनल हमारे चैनल देवगरियन फैमिली में, हर महादेव। आज हैं हम रिकॉन्गपियो में। अभी आप देख रहे थे बॉडी की बेटी पूरा व्लॉग को देख रही है शुरू से लगातार, बोले पापा फेमस हो गए हैं। ये देखिए बच्चे प्यार कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब वाला बटन तो ज़रूरी दबा दीजिए। बाहर का मौसम मत कहिए, पूरा बर्फबारी हुआ है रात भर, और अभी बज रहे सुबह के 8 और टेंशन है, फ्लाइट भी कैंसिल हो गया, लेकिन कल हम लोगों ने टिकट करा लिया है ट्रेन से। अब जो है हम 22 तारीख को हमने शताब्दी ले लिया है चंडीगढ़ से, और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। पूरा एकदम बर्फ से ढका हुआ। सामने वो किन्नर कैलाश रेंज जो आपको हमने दिखाया था, और आज 4 दिन हो गया नहाए नहीं है। सबसे पहले अभी नहाना है, गीजर यहाँ मिल गया है, बराबर गर्म पानी होने दे दिए हैं, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पर एकदम बर्फ़ ही नहीं गिर रहा है, बर्फ़ ही नहीं गिर रहा है। और जब 3 दिन पहले से जब बर्फ़ शुरू हुआ, मैं लगातार 250 किलोमीटर तक, मतलब कि हम लोग काजा से लेकर यहाँ आए, पूरा बर्फबारी होते रहा 250 किलोमीटर तक। देखिए कितना बर्फ़ देखना है अब, और ये ठंडा में है, ज़बरदस्त ठंडा में हम लोग स्नान कर लिए हैं। पक्का कितना दिन बाद? 4 दिन बाद ना बड़े? 5 दिन के बाद। आज नहा के 3 पुड़िया शैम्पू लग गया भाई। जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, सब लोग नहा धो के तैयार, फर्स्ट क्लास। देखते हैं नाश्ते में क्या उपलब्ध है। हर करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। पूरा मस्ती एंजॉय। और अब चले थोड़ा सा नीचे जाना होता है नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता के लिए यहाँ टेबल तैयार, और हमारा नाश्ता हो गया है रेडी, और ये आ गया है पराठा, अचार, चाय, और ये आ गया ऐसा मक्खन। सुबह सुबह गरम गरम पराठे आलू पराठे का मजा। हाँ इसका आनंद ही कुछ और होता है, कुछ और है। खाने के बाद, नहाने के बाद। आपका खाना बहुत लाजवाब सुपर लगा मेरे को, और बच्चों के साथ आएंगे हम। अभी ये गिर रहे नीचे पूरे छत से, बड़ा खतरनाक चोट लगता है इससे। तो ये रहा पूरा बर्फ, ऊपर छत से गिर रहा है, ये बारिश नहीं हो रही है, बर्फ का पानी है ना, बर्फ भी नहीं आ रहा है इधर, बर्फ नहीं आ रहा ना उस हिसाब से। ऐसे कितने बर्फ आ जाते थे, कितने फुट तक है ना? 4-5 फुट से कम आ रहा है। और हम लोग अब निकलने की तैयारी, पिछली बार तो थर्मस छूट गया था, और लेकिन वापसी आए तो मिल गया, बबलू का छूटा था, बड़ी भूलता है। अरे मेरा बैग वो ले के गया। अच्छा ये मेरा रूम है ही नहीं। मेरा रूम ये, पागल हो गया। अरे हम उस रूम में घुस गए, बोले मेरा बैग कहाँ चला गया, मेरा लगेज 1, टोपी मेरा ये बहुत काम आया भाई, और कुछ सामान ये 2, और छोटा सा 3,
बबलू आया मैदान गया। ये हम लोग का स्टार्ट हो गया है और बबलू लग गया मैदान। हर एक बार जो है रोज जो यही करता है, खाने के बाद मैदान जाता है, जाए नाश्ता के बाद मैदान, खाने के बाद मैदान, डिनर के बाद मैदान। आओगे आओगे कि कल आओगे यार? क्यों सुधांशु जी नमस्ते, आना फिर कभी। नमस्ते जूले, जूले जी, जूले जी, जूले मतलब नमस्ते ना, आदर से बोलते हैं यहाँ पे। ओके अंकल जी, जूले जूले जूले, नमस्ते, बाय। और हम लोग निकल चुके हैं रेकोंग पियो से, यहाँ से लगभग शिमला कितने किलोमीटर? 230 से ज्यादा, थोड़ा 230 से ज्यादा, क्योंकि एक रास्ता नरकंडा वाला बंद ही हो गया है। हम लोग को 20 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, 20-25-30 किलोमीटर, क्योंकि वो नरकंडा जहाँ पिछली बार आपको बर्फ वाला दिखा रहे थे, बहुत सारे रील वेल बनाए थे, जो वो एरिया काफी हैवी, वहाँ पे स्नोफॉल हो गया है, तो रास्ता हो गया है बंद। 7-8 घंटा लगने वाला है, सही समय पहुंच जाएंगे, बज रहे हैं सुबह के 10। अभी आ गए हैं लंच करने के लिए, रामपुर में रुके हैं, जो राजा थे उनका पैलेस है और यहाँ पे होटल भी है, हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे। बहुत ही शानदार, देखिए चांदी का ये कुर्सी वगैरह सब है, रिसेप्शन बहुत अच्छा, पूरा एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा, वाह। यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, ये पूरा उनका ही पैलेस का एक पार्ट है, पूरा लकड़ी का काम किया हुआ है, वाह। पूरा ग्रीनरी का ख्याल रखा गया है इधर, यहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं, ऊपर जो है खुला खुला है, लेकिन अंदर ही बैठेंगे, ठंडा महीना है। सलाद तलाद मत खा यार, सब्जी तब्जी। और ये अंदर पूरा पैलेस है, ओके। चिकन बिरयानी 3-2 सर। हम लोग पैलेस के अंदर आ गए हैं, और ये देखिए ये यहीं से बैठ करके लोगों से मिलते थे, और ये घर द्वार, और ये बड़ा सा झरना, और सामने में वो जो पहाड़ है ना, इसकी खूबसूरती तो कुछ और अलग ही है, लकड़ियों का, वाव। रॉयल रॉयल, जब राजा ही थे तो रॉयल तो होंगे। ते है भाई बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, पद्म महल नाम, जिसकी बुनियाद श्री 108 महाराज पद्म सिंह साहेब बहादुर। अंदर घुसने का नहीं है भाई, पद्म पैलेस महाराजा पद्म सिंह साहिब बहादुर, ये दरवाजा ही कितना रॉयल है, वाह वाह। अंदर बंद है, नक्काशी किया हुआ बहुत शानदार, छत पे देखिए क्या एकदम पूरे शीशे का जगह जगह नक्काशी किया हुआ है। और पैलेस आपको हमने दिखा दिया है, और अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, जो पैलेस के अंदर ही है, लंच करेंगे और फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। अभी और 3-4 आवर्स है यहाँ से। और ये ऑर्डर आ गया हम लोग का बिरयानी का, बहुत दिन बाद, थोड़ा स्पाइसी टाइप लग रहा है, रायता बूंदी रायता दोनों, एक मिक्स रायता, दो बाल्टी। देखिए बबलू का ही लेमन सोडा पी रहा, जो काला हो गया है, काला हो गया, इतना नमक इसको दे दिया, इसको संतोष में है कोई चीज में, 1.5 चम्मच इसमें दे दिया है नमक, इसको शांति में, इसको शांति में कोई चीज में। और अब मंगाया है चीनी, चीनी मिलाएगा, अरे बाप रे बाप, फिर इसमें पानी एक्स्ट्रा डाल रहा है। अब देखो कलर आया है, अभी सही है, चाशनी दिया रसगुल्ला वाला, और उही लिया 4 चम्मच, मतलब कोई चीज में संतोष नहीं पर लियो क्या। 180 रुपया मिनरल वाटर का बेटा, एक ठोक 60 टका है। मिनरल वाटर पियोगे तुम पैलेस में पगला, लेगा ना रे,
20 रुपया कंपनी का रेट है, 40 रुपया इसका मतलब इसका महल का रेट टैक्स। ये जो नव नाब हेरिटेज होटल में हमने लंच कर लिया है, एक लिंक रोड है, सिंगल रोड करके है, उसी से गांव गांव होते हुए जा रहे हैं। बड़ी खबड़ू खबड़ रास्ता, वो रास्ता बहुत अच्छा था। हम लोग पहुंच गए हैं वापस पुनः अपने डेस्टिनेशन आचमन एजेंसी, आचमन रेजेंसी। आज साला ई यूजिंग था, आज एन भी गायब हो गया। आज चेंज कर रहे हो ना रूम? रूम चेंज, रूम नहीं है वैसे ना, जैसे पहले दिए होते। अब रूम बड़े हैं तो मैं बड़ा वाला दे रहा है, बड़े वाला रूम दे रहे हैं ना। बोला हुआ था, बोला हुआ था। चेक वेक कर रहे हैं कि कुछ सामान वन ना छूट जाए, लेकिन अब हम लोग को सुबह निकलना है 7 बजे इधर से, फ्लाइट कैंसिल। देखिए हम लोग के ये है नीरज भाई, इनके ही पूरा ट्रिप इनके द्वारा ही हम लोग को मैनेज किया गया था, तो बहुत शानदार रहा नीरज भाई का, एकर बहुत बहुत शुक्रिया। और अरुण भाई ने तो कमाल का, कमाल का। हेलो, और मैं आपको दिखाता हूँ बालकोनी से सीन कैसा लगता है पूरा शिमला। ये अभी जा रहे हैं हम बालकोनी में, शिमला तारे जमी पर। देखिए वाओ, क्या शानदार लग रहा है बालकोनी से। और जो है खाने में दाल मखनी, चावल, बॉडी जो है चावल ले रहा है, चावल मखनी, दाल मखनी है, दाल मखनी, दाल मखनी। और ये है पनीर, और ये है मिक्स वेज, इधर रोटी, इधर स्वीट डिश, और ये रहा चिकन। तो हम भी अब खा ले फटाफट। यस, हमारे बॉडी एक नंबर है, क्या बात। चिकनवा खाली ला के देगा ना, तो हाँ चिकनवा देवे करेगा, टेंशन ना लो। अच्छा, और जो है देखिए हम लोग का कमरा फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है इसका, नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं ये। उम्मीद है कि हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। और इतना टफेस्ट जगह से हम नीचे आए हैं, शिमला में है -1, लेकिन ठंडा का जो एहसास है यहाँ ख़त्म हो गया है, क्योंकि काजा में हम -28-29 डिग्री में थे, तो अब यहाँ का ठंडा का एहसास ही नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी